एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम जो बात कर रहे हैं सौर विज्ञान के बारे में बात करेंगे। सौर विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इसको समझने के लिए आपको हम बताना चाहते हैं कि जब भी आप की दाई नासिका चलती है और बाई नासिका चलती है, तो इस तरह से जो नासिका के बारे में बताया गया है शास्त्रों में, उसका आज हम बात करेंगे। तो ये बताया गया है कि जब भी आपकी दाई नासिका चलती है, तो इसको सूर्य प्रधान का बताएंगे, और जब आपका बाई नासिका चलती है, इसको हम चंद्र प्रधान बोलेंगे। तो चंद्र प्रधान स्वर हो गया आपका, बाएं साइड से जो नासिका चलेगी उसकी बात करेंगे, और जो सूर्य स्वर की बात करेंगे, तो वो आपका आ जाएगा दाहिना, दाहिनी जो साइड की नासिका चलती है, तो वो आपके सूर्य स्वर हो जाएगी। तो इसको इंगला पिंगला नाड़ी भी के बारे में भी इसी को बताया गया है। तो हम एक साधारण जो व्यक्ति है, उसको किस तरह से इसका उपयोग कर सके, उसकी चर्चा करेंगे। विस्तृत में आपको जानकारी चाहिए तो आप और भी गूगल सर्च करके इनकी जानकारी प्राप्त करती है कर सकते हैं। तो सरल तरीके से हम ये बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि जब भी आप अपनी नासिका के सामने अपना हाथ ऐसा रखेंगे और जो जोर से वो करेंगे, तो आपको जिस साइड से ज़्यादा फोर्स लगेगा वो स्वर चालू होता है, उसको हम देख सकते हैं। ऐसे और भी कई विधियां हैं जिससे आप स्वर का पता लगा सकते हैं कि आपका दायां स्वर चल रहा है या बायां स्वर चल रहा है। तो मान लो आपका जब भी कोई दायां स्वर चलेगा, तो उसको हम सूर्य स्वर कहेंगे। तो इसमें जब भी आपको कोई इसमें कार्य करना बताया गया, शास्त्रों में ये बताया गया कि सूर्य स्वर में आप जब भी भोजन करते हैं, तो आप सूर्य स्वर चालू हो जब करना चाहिए, वो आपके हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। फिर जब भी आप को मान लो सर्दी जुकाम हो गया है, तो आपको अपना बाई करवट करके लेटने से आपका जो सूर्य स्वर है वो 3-4 मिनट बाद चालू हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी सर्दी जुकाम में भी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो इस तरह से जब भी आप बाई करवट सोते हैं, तो आपका कुछ जो भी स्वर चल, मान लो बाया स्वर चल रहा है, तो आपका दाया चलने लग जाएगा। तो इस तरह से बाई करवट करके रात को भी जब हम सोते हैं, तो हमें बाई करवट ही सोना चाहिए, जिससे कि सूर्य स्वर चलता रहे और उससे आपको हेल्थ वाइज बहुत अच्छा फायदा होता है, और पाचन क्रिया अच्छी होती, नींद अच्छी आती है। तो ये शास्त्रों में भी बताया गया है कि बाई करवट सोने से आपका सब सूर्य स्वर चालू हो जाता है, तो उसका लाभ हम उठाते हैं। इसी तरह से अगर आपको बहुत से जो कार्य करना है, जब आप घर से बाहर निकलते हैं, तो जो भी स्वर चालू उसमें आपको बाहर पहला पैर उसी जो स्वर चालू उससे रखना चाहिए। मान लो सूर्य स्वर चल रहा है, तो आपको दाया पैर बाहर रखना चाहिए, जिससे कि आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। तो अगर बायां स्वर चल रहा है, चंद्र स्वर चल रहा है, तो आपको बायां पैर रखना चाहिए। तो इस तरह से आप जब भी कोई अच्छे कार्य कर रहे हैं, कोई उत्साहवर्धक का आपका कार्य होगा, जब भी आपका सूर्य स्वर चलेगा, तो कोई आपको औषधि सेवन करना है, तो आपको सूर्य स्वर चालू है, जब भी औषधि का सेवन करना चाहिए। मल त्याग जब करते हैं, तब भी सूर्य स्वर चालू होना चाहिए। सॉरी। इस तरह से आप सरल तरीके से बताने का प्रयत्न किया कि जब भी आपका सूर्य स्वर चलता है, तो आपको क्या करना चाहिए। कोई मीटिंग में आप बैठे हैं, तो आप सूर्य स्वर में अगर उस रूम में दाखिल करेंगे, तो आपका मीटिंग सक्सेसफुल होगा। किसी व्यक्ति से जब आप कोई बात कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपके सबॉर्डिनेट्स को आप कुछ ना कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप जब भी सूर्य स्वर चलता रहता है, तो उस साइड में अगर व्यक्ति का आपका उस साइड में है, तो वो आप अपनी बात को अच्छे से रख सकेंगे और उसका प्रभाव भी अच्छा आता है।
तो ये हमने आज बात की कि सूर्य सौर जब चले तो क्या करना है। अगर आपका ये जो कार्य बताए हैं उस करने के टाइम पे आपका चंद्र सौर चल रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। जो तो चंद्र सौर के जो चल रहा है तो बाएं हाथ के पे ये जो बॉल आप देख रहे हैं इसको ऐसा रख देंगे तो 3-4 मिनट के बाद में आपका दायां सौर जरूर चलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपना सौर चेंज कर सकते हैं। आपको चंद्र सौर जो है इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें जो पानी पीने का जो काम होता है वो चंद्र पेयजल जितने भी हैं वो पानी पानी वगैरह जो है तो इसको आप जब भी पियेंगे तो चंद्र सौर चलता है जब आपको पीना चाहिए उससे लाभ प्राप्त होगा। तो जब भी मूत्र त्याग करते हैं जब भी आपका चंद्र सौर चलना चाहिए। अगर आपको बुखार और सरदर्द है तो आपको चंद्र सौर में चलता है उसमें लेटेंगे आप दाई करवट करके लेटेंगे तो आपका जो 2-3 मिनट के बाद में अगर तो आपका सूर्य सौर चल रहा होगा तो वो चंद्र सौर चालू हो जाएगा बाया सौर चालू हो जाएगा तो इस तरह से आपको उसमें लाभ प्राप्त होगा। जो भी जो कार्य जिसमें स्थिरता है जिसमें पढ़ाई लिखाई है जिसमें आपका ध्यान लगाना है तो ऐसे जितने भी कार्य है वो चंद्र सौर में करना चाहिए। आपको कोई शिक्षा का काम है पढ़ाई लिखाई का काम है गृह प्रवेश करना है नए वस्त्र आभूषण धारण करना है तो चंद्र सौर आपका चलता रहना चाहिए। तो कोई भी नया कार्य का जब शुभारंभ करते हैं जब भी चंद्र सौर चलना चाहिए। कृषि के कार्य जो करते हैं वो भी चंद्र सौर जब चले जब करना आरंभ करना चाहिए। तो इस तरह से आपने जाना कि कौन से सौर से क्या फायदा होता है ये जो सामान्य व्यक्ति है उसकी जानकारी के लिए हमने देने का प्रयास किया है। तो आप अपने जीवन अपनाइए उसका लाभ उठाइए और साथ साथ में किस तरह से आप सौर बदल सकते हैं। इसलिए जो अगर आप दाई करवट सोएंगे तो 2-3 मिनट के बाद का आपका चंद्र सौर भी चालू हो जाता है। अगर आप बाई करवट सोते हैं तो आपके 3 मिनट के बाद में सूर्य सौर चालू हो जाता है। उसी तरह से बॉल को भी जो सौर चल रहा है उसमें रखेंगे तो उसके अपोजिट वाला सौर थोड़े टाइम के बाद में चालू हो जाता है। तो ये सौर विज्ञान की संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयत्न किया। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे जो चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड जो है यहाँ पे हम जो साधारण वर्ग के लोगों की ये सरल से समझने के लिए जो भी हमारे से बन सकता है वो बताने का प्रयत्न करेंगे। तो उसका आप जरूर फायदा उठाइए और विस्तृत वीडियो के लिए भी आप हमारे चैनल पे जाके उनका लाभ उठा सकते हैं। आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया वीडियो को लाइक किया शेयर किया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।